गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग आवर ग्रामर टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वी हैव डन सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। टुडे वी विल कंटिन्यू दिस वन टॉपिक, द नेक्स्ट वन टाइप्स, हाउ वी कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस how we can change interrogative sentences of WH family। WH family के जो interrogative और active voice के जो वाक्य हैं, उनको हम कैसे चेंज करते हैं, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो वाक्य है, why does he tell lies? इसमें WH family का ये वर्ड है why। इसका प्लेस, इसका जगह हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पे रखेंगे, पैसिव वॉइस चेंज करते समय में। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है लाइज, सेम जो हमारा प्रोसीजर है उसको एज ए सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, और जो ही सब्जेक्ट है हमारा इसमें एक्टिव वॉइस के वाक्य में, इसको हम लास्ट में लेके जाएंगे एज ए ऑब्जेक्ट। तो देखिए कैसे करेंगे, वाक्य हमारा वाहे डज ही टेल लाइज। अब इसमें जो वाहे वर्ड है ये यही रहेगा सब्जेक्ट से पहले, स्टार्टिंग में रहेगा वाई। उसके बाद डू डज को हमने चार्ट में भी किया था कि हम इज एम आर में चेंज करते हैं, तो यहां पर हम आर में चेंज करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा सब्जेक्ट के रूप में लाइज, ये प्लूरल है, और इसलिए वाहे आर लाइज टोल्ड बाय हिम। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, बाय का यूज होता है, और जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था ही वो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हिम में चेंज हो गया, और इस तरीके से लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये एग्जांपल एक हमारा, सेकंड वन देखते हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर टी। इसमें भी हाउ जो वर्ड है डब्ल्यूएच फैमिली से है, उसके बाद डू यू प्रिपेयर टी और साइन ऑफ इंटरोगेशन। हाउ जो वर्ड है इसका हम कोई स्थान चेंज नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। उसके बाद डू डज, जैसा मैंने भी बताया था कि इज एम आर में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा टी जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस के वाक्य में, यहां पे सब्जेक्ट टी हो गया, और टी एक वचन है तो उसके लिए हमें इज का प्रयोग करना पड़ेगा, हाउ इज टी। उसके बाद देखते हैं कि वर्ब क्या है प्रिपेयर, और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म बनेगी प्रिपेयर, तो ये हो गया हाउ इज टी प्रिपेयर, उसके बाद बाय और यू, हाउ इज टी प्रिपेयर बाय यू। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य पूरा हो गया, और ये डब्ल्यूएच फैमिली का यानी कि हमारा दूसरा वाक्य है कि इस प्रकार से हम डब्ल्यूएच वर्ड का कोई स्थान चेंज नहीं करते, और बाकी का जो नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम एज इट इज करेंगे। नेक्स्ट फिर इसके बाद आता हमारा वर्ब्स फॉलोड बाय मॉडल्स, यानी कि जिन वर्ब्स के बाद मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स का प्रयोग होता है, जैसे कैन कुड विल वुड मेक माइट मस्ट, इस प्रकार से, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं कि जो मॉडल है हमारे उस वाक्य में यूज, उसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं, बी वर्ब, और बाकी का जो नियम है वो सेम रहता है। जैसे फर्स्ट हम करते हैं आई कैन डू दिस वर्क, और इस प्रकार का ये हमारा वाक्य है, आई कैन डू दिस वर्क कैन मॉडल है, इसको हम चेंज करेंगे, जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वो एज इट इज रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी रहेगा और बाई का प्रयोग भी रहेगा। अब जैसे इसमें क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है दिस वर्ड, अब इसको चेंज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस बनाते समय एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे दिस वर्क, उसके बाद हमारा मॉडल कैन उसको लिख देंगे, और कैन के बाद हम बी वर्ब लिखेंगे, दिस वर्क कैन बी, उसके बाद ये हमारी वर्ब की एक्टिव वॉइस है, इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे डन, फिर बाय का प्रयोग, और जो आई हमारा सब्जेक्ट था ये लास्ट में आकर के ऑब्जेक्ट के रूप में मी में चेंज हो जाएगा। तो वाक्य हमारा क्या हुआ, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी,
ये हमारा पहला मॉडल्स का वाक्य हुआ। और देखते हैं नेक्स्ट सेकंड, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब इसमें भी शुड जो वर्ड है ये मॉडल है, ओबे वर्ब है और योर पेरेंट्स ये हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है। अब इसको चेंज करेंगे, योर पेरेंट्स जो ऑब्जेक्ट है इसको हम आगे लेकर के आएंगे योर पेरेंट्स, उसके बाद जो मॉडल है उसको एज इट इज लिखेंगे शुड, और उसके बाद बी, और फिर वर्ब है हमारी ओबे, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड बाय यू, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू। तो इस तरीके से हमारे ये दो वर्ग है जिसके अंदर हमने मॉडल्स का यूज किया था कैन और शुड, और कैन और शुड के साथ हमें ध्यान रखना है कि बी वर्ब का यूज करना है। तो ये चीज आप लोग ध्यान देंगे कि बी वर्ब का प्रयोग मॉडल के साथ हमें करना है। तो इस प्रकार से हमारी पहली जो टाइप हुई आज डब्ल्यू एच फैमिली वाली, दूसरी हमारी हुई मॉडल्स वाली, और नेक्स्ट जो हमारी है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आदेशात्मक वाक्य जिसमें डायरेक्ट यानी कि कोई ऑर्डर, कोई एडवाइस या कोई उपदेश दिया होता है, उस प्रकार के वाक्य इस कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें देखते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हम उनको लेट से बना सकते हैं, और कुछ में ऐसा होता है जिनको हम सेंस के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस में भी कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा है शट द डोर, शट द डोर, तो हम इसको लेट से करते हैं, लेट द डोर बी शट। एक तो ये हो गया कि लेट से हमने इसको बनाया लेट, उसके बाद ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया लेट द डोर, उसके बाद बी वर्ब और उसके बाद शट, लेट द डोर बी शट। फिर आता हमारा दूसरा गेट आउट ऑफ माई साइट। अब इस वाक्य की अगर हम सेंस देखें तो इसमें हमारे को ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी को ऑर्डर दे रहा हो कि मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, यानी कि जैसे गुस्से में बोल रहा हो। तो इसको हम अगर इसकी सेंस देखें कि जैसे ऑर्डर दिया गया है, और हम इसको ऑर्डर की सेंस में करेंगे कि यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर दिया गया है, यू आर ऑर्डर्ड, और उसके बाद टू लगा करके, टू लगा करके, और फिर सेम जो हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य था वो टू लगा करके गेट आउट ऑफ माई साइट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई साइट। इस प्रकार से ये वाक्य है, यानी कि जो ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, वो लिखने के बाद यू आर एडवाइज, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद हमें टू लगाना है इतना करने के बाद। यहां पे यू आर ऑर्डर्ड है, यहां पे ये भी हो सकता है यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज, और उसके बाद टू लगा करके फिर जो का त्यों वाक्य जैसा हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है ऐसा हम उसको करेंगे। तो ये थी हमारी थर्ड टाइप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। अभी नेक्स्ट जो हमारी आती है द इन्फिनिटिव वर्ब्स। इन्फिनिटिव वर्ब्स मीन्स जिसमें टू और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, एक्टिव वॉइस के वाक्य में उसको हम चेंज कैसे करते हैं, टू के बाद बी वर्ब एड करते हैं और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इस तरीके से हम उसको चेंज करते हैं टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसका हम जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वी ओट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी ओट टू, यानी कि ये टू और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस ये इन्फिनिटिव वर्ब का वाक्य है, इसको हम चेंज करेंगे आवर एल्डर्स, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसको आगे लेकर के आएंगे आवर एल्डर्स, और उसके बाद ये ओट टू, ये कंप्लीट ऐसे ही रहेगा आवर ओट टू और उसके बाद बी आवर एल्डर्स ओट टू बी रिस्पेक्टेड बाय अस, यानी कि जो बी है वो एज ए ऑब्जेक्ट जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो अस में चेंज हो जाता है। तो वाक्य हमारा अपना
our elders ought to be respected by us. ये हमारा इंफिनिटिव वर्ब्स का पहला एग्जांपल, और अभी देखते हैं वन मोर. आई एम टू डू दिस वर्क, मुझे ये कार्य करना है. अब इसमें भी टू और वर्ब फर्स्ट ये दिया हुआ है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है. अब इसको भी हमने ऐसे करना है, दिस वर्क इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट था, यहां पे सब्जेक्ट दिस वर्क. उसके बाद जैसा हमने किया था कि एम को हम इज में चेंज करेंगे, चेंज का यानी कि एक ही फैमिली है ये, लेकिन यहां एम आई के साथ था, यहां दिस वर्क के साथ इज हो जाएगा. दिस वर्क इज टू बी, दिस वर्क इज टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय मी. तो इस प्रकार से ये वाक्य हमारा हुआ, दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी. तो ये हमारी बच्चों फर्स्ट टाइम जो आज हमारी हुई, डब्ल्यूएच फैमिली से इंटरोगेटिव को कैसे चेंज करना है उसको हमने चेंज किया. और जैसा मैंने बताया था कि जो डब्ल्यूएच वर्ड है उसकी सिचुएशन में, उसकी लोकेशन या उसके स्थान में कोई चेंज नहीं करना है. बाकी का जो चेंज है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं पहले से, वैसे ही हमने उनके प्लेस चेंज करने हैं. एक ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आना है एज ए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट पीछे लेकर के आना है. उसके बाद हमने ये किया, वर्ब्स फॉलोड बाय मॉडल्स. मॉडल्स वाले जो वाक्य को हमने किए, इसमें कैन और इसमें शुड. इसमें क्या करना था कि कैन और शुड जो मॉडल यूज होते हैं उनके साथ एक बी वर्ब ऐड हो जाती है. जैसे हमने यहां पे किया कैन बी और शुड बी. बाकी जो चेंज करना है वो हमारा नियम एज इट इज पहले वाला ही है. फिर आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हमने किया जिसमें एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट इस प्रकार के डायरेक्ट यानी के आदेश होते हैं, तो उनको हम या तो लेट से स्टार्ट करते हैं और या फिर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज, यू आर रिक्वेस्टेड उस तरीके से, और टू लगा करके फिर वाक्य को हम पूरा जो बातों लिख देते हैं. और लास्ट हमने किया है द इन्फिनिटिव वर्ब्स. इन्फिनिटिव वर्ब्स यानी कि जिसमें टू और वर्ब फर्स्ट लगी हो, ऐसे वाक्य हैं, उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय टू बी लगा करके और उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म के साथ उसको पूरा करते हैं. तो इस प्रकार से हमारे ये आज चार टाइप हुई. आप लोगों ने अच्छे से इनको समझा होगा, इनके एग्जाम्पल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा. ओके, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो टॉपिक वो ग्रामर का करेंगे. ओके, थैंक यू.